विधायक लक्ष्मण तिवारी ने टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय पर भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ईमानदार विधायक के पेट चीर कर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का अन्न ही निकलेगा। सड़क के किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर में भारी भ्रष्टाचार। ईमानदार विधायकों के पेट को चीर कर देखा जाए तो अन्न का एक एक दाना भ्रष्टाचार का निकलेगा। यह आरोप लगाया पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर। लक्ष्मण तिवारी अपने निवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर से कहते हैं, प्रदेश सरकार तो जांच नहीं करा सकती, हाँ ईमानदार बनने वाले मोदी जी अपने विधायकों की जांच करा लें। केवल सड़क के किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय और उनके दिए टैंकरों की, उसमें समझ में आ जाएगा वो कितने ईमानदार हैं। ईमानदार विधायकों ने किस तरीके से ईमानदारी दिखाई, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया। श्री तिवारी ने आगे बोलते हुए कहा, ऐसे विधायकों के शरीर में अन्न का एक एक दाना भ्रष्टाचार का निकलेगा अगर इनके पेट को चीर कर देखा जाए। वहीं उन्होंने सिरमौर में भी 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने की मांग की। उनका कहना था, सिरमौर कॉलेज से नीचे तक अगर टनल बना दी जाए तो एक्सीडेंट से बचत होगी। जो डर लगता है लोगों को, चोरी होती है, डकैती होती है, उससे भी इनको निजात मिलेगी। निश्चित रूप से टनल बनने के बाद सिरमौर के इलाके के लोगों को काफी लाभ होगा। श्री तिवारी ने प्रधानमंत्री आवास पर भी उंगली उठाई। उनका साफ तौर से कहना था, भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है वर्तमान विधायकों के द्वारा। आइए आपको सुनाते हैं लक्ष्मण तिवारी ने अपने आवास में पत्रकार वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा, किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वर्तमान विधायकों पर। यात्री जो प्रतीक्षालय है, माननीय इस प्रदेश के विधायक और सांसद, यात्री प्रतीक्षालय की लागत जो प्रधानमंत्री आवास का मकान है उसमें ठगी हो रही है, कटौती हो रही है, और माननीय विधायक और सांसदों का जो यात्री प्रतीक्षालय है और जो टैंकर सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है। जो बोल लोग बोलते हैं कि मेरे पेट में भ्रष्टाचार का एक दाना नहीं जाएगा, अगर ईश्वर है इनका पेट फाड़ के इनको देखो कि इनके दाना ही दाना पेट में भ्रष्टाचार का चढ़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक सांसदों को जो केवल 1 लाख के चीज को 2.5 लाख और 1 लाख कमीशन खा रहे हैं। आखिर क्या है ये? यही है, जनता देख रही है। जगह जगह लाल पीला रंग करके या पार्टी का कलर करके नाम लिख दिया फलाने द्वारा प्रस्तुतिकरण। इसका कोई परीक्षण करे, एजेंसी लग जाए। अगर माननीय मोदी जी, फिर मैं मोदी जी को कोट कर रहा हूँ क्योंकि अब नीचे कोट करने का कोई स्थिति नहीं है, अगर इनकी एजेंसी की जांच करा दें कि कितना प्रतीक्षालय में कितना पैसा लगेगा, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अंत में मैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से जनता की तरफ से 3 बातें बहुत प्रमुख है। जिस तरह से ये टनल बना है हमारे चुरहट में, ये बहुत पैसा लगा है और ये बड़े काम का है। मैं देख के आया हूँ, उसका मैं स्वागत करता हूँ, जो भी कंपनी बनाई या जिसने भी बनाया उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। ऐसे टनल में ये तो लंबा है, 7 किलोमीटर की यात्रा बची है। हमारे सिरमौर में जैसे स्वर्गीय आदरणीय जमुना प्रसाद शास्त्री के कॉलेज से लेकर और नीचे 0 पॉइंट कहलाता है, 1.5 किलोमीटर अगर टनल बन जाए तो इसमें सुरक्षा भी मिल जाएगी, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, समय का भी बचत होगा, और तराई क्षेत्र और नीचे जाने वाले में व्यवसाय भी सरल हो जाएगा, यात्राएं भी सुगम हो जाएंगी, और इसकी दूरी भी कम हो जाएगी और सुविधा भी मिल जाएगी। और बाजार, ये अगर टनल बनता है तो ये सीधे कानपुर को जोड़ेगा, मानिकपुर को जोड़ेगा, प्रयागराज को जोड़ेगा। तो जो यात्रा हम इधर से तमाम से करते हैं, ये हम सिरमौर होके अगर नीचे जाते हैं तो इससे लाभ वहाँ की जनता को होगा। इसलिए टनल बनाने में जो भी वहाँ का टनल बनाए, घोषणा नहीं, भूमि पूजन नहीं, क्योंकि केवटी में भूमि पूजन माननीय वहाँ के विधायक जी वर्तमान में केवटी के भूमि पूजन रेलिंग का किए थे कि कूड़ा के चारों तरफ रेलिंग हो जाएगी। तो एक बार जिसको मरना हो तो जाएगा, पर एक बार थोड़ा सा अड़ंगा लगेगा।
बैरिकेड हो जाएगा। तो भूमि पूजन के बाद 22 लोग वहां जान गंवा चुके हैं एक साल के भीतर। और उसमें हमारे तीलखम के पास एक क्षत्रिय परिवार है, उनका लड़का जब वहां गिरा तो ये धर्मेंद्र जी गवाही है, मैं स्वयं गया और वो कूदा तो उसने कहा कि अगर कोई अड़ंगा होता, ऐसे ही अभी ये छोटी नहरों में एक गुप्ता का लड़का भी सिरमौर में। तो मेरी मांग है कि ये टनल बनाया जाए और केवटी कूड़ा को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाया जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनने लायक। नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।